पेरिस ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करने वाली मनु भाकर जब से स्वदेश लौटी हैं, उनका जगह जगह स्वागत हो रहा है। अब हाल ही में मनु भाकर अपने माता पिता के साथ झज्जर की एक गौशाला पहुंची, जहां जिला प्रशासन ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मनु भाकर ने कामधेनु गाय की आरती उतारी, साथ ही परिवार सहित पूजा अर्चना की। इस दौरान मनु भाकर मीडिया के सवालों का जवाब देती हुई भी नजर आई। बहुत बढ़िया लगा, और पहला मेडल आया, उसके बाद अगले दिन फिर उम्मीदें थी, और दूसरे मेडल के बाद तीसरे की भी उम्मीद थी, हालांकि वो थोड़ा सा रह गया कहीं ना कहीं, तो खुशी है। पर ऐसे ही आगे और मेहनत करते रहेंगे, अपने देश प्रदेश और जिले का नाम रोशन करते रहेंगे। तो यहाँ के सफर में, यहाँ तक सफर पर पहुँचे, आपको किस किस का साथ मिला यहाँ पर? साथ तो देखिए एक दो लोगों से तो नहीं चलता है, मतलब बहुत सारे लोगों का साथ और सपोर्ट चाहिए होता है, उसके बाद ही हम इतने आगे पहुँच सकते हैं। तो शुरुआत जैसे मैंने अपने गांव से की, और गांव में मेरे स्कूल में मम्मी पापा भाई बहन सब ने बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद ऊपर जाके तो जिले से काफ़ी सपोर्ट मिला हमेशा से, जैसे लाइसेंस का थोड़ा इशू हुआ था मेरी शुरुआत में, पर वो बहुत जल्दी ही सॉल्व हुआ। उसके बाद फिर शूटिंग भी बहुत जल्दी जल्दी अच्छी होती गई, और हम आगे और मेहनत करते गए। तो इसी तरीके से और मेरी टीम हमेशा से साथ रही है, जो स्पॉन्सर्स हैं, जो मेरी पूरी इंडियन शूटिंग टीम है, और हमारे सब लोग जो टीवी पे देख के हमेशा चीयर करते हैं और मिलने भी आते हैं। वही सरकार से मिले सहयोग पर भी मनु भाकर ने अपनी बात रखी है, सुनिए। काफ़ी सहयोग मिलता ही रहता है, जैसे हमारे कैंप्स होते हैं या फिर कुछ भी होता है, तो उसमें वो सब चीज़ों का को देखते हैं, पूछते हैं कि आपको कुछ चाहिए है या नहीं चाहिए, या फिर देखते हैं कि सब ठीक है या नहीं है। जैसे टॉप स्कीम है, उसके अंडर मैं लगभग 6 साल से हूँ अभी, और काफ़ी मुझे सहायता मिली है टॉप स्कीम से, और आगे भी ये बरकरार ही रहे। वही जब मनु से बॉलीवुड फिल्मों में करियर बनाने और शादी का सवाल किया गया, तो उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। मुझे अपना खेल बहुत पसंद है, और मैं जब तक मेरी हिम्मत रहेगी तब तक मैं अपने खेल में ही रहूंगी, उसके बाद हो सकता है मैं थोड़ा बहुत कोचिंग करूं, बट गेम में ही ज्यादातर मेरा इंटरेस्ट है। अपनी शादी को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? अभी नहीं, अभी छोटी है, वो छोटी है, अभी तो कुछ करना है। देखो भगवान जो भी देखे आगे आने वाले सालों में, पर अभी तो सिर्फ अपना लक्ष्य पर ही ध्यान है पूरा, और लक्ष्य है गोल्ड जीतना देश के लिए। बता दें पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने शूटिंग में 10 मीटर व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में 2 कांस्य पदक जीतकर इतिहास बनाया है, जिस पर हर किसी को गर्व है। बहादुरगढ़ से सूर्य समाचार के लिए प्रदीप धनखड़ की रिपोर्ट।